अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि बासित और आयशा की शादी हो गई है। बासित ने भी मजबूरी के तहत आयशा से शादी की है और आयशा ने मजबूरी की वजह से बासित से शादी की है, यानी इन दोनों का रिलेशनशिप एक मजबूरी के तहत हुआ है। लेकिन बासित एतमाद और यकीन रखता है आयशा पे कि आयशा बहुत अच्छी लड़की है, जबकि बासित भी बहुत अच्छा है। आयशा को यकीन है कि उसका बहुत ख्याल रखेगा। आयशा की वालदा ने बासित अच्छी खासी रकम ली है आयशा की शादी करने के लिए, लेकिन आयशा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे आयशा और बासित का वलीमा हो गया है। बासित और आयशा का वलीमा हो जाने के बाद आयशा के घर वाले अगले दिन उसके घर पे आते हैं। उसका आलीशान बंगला देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं आयशा की वालदा और उसकी बहनें। लेकिन बासित को ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पसंद। आयशा की बहनों से कुछ ना कुछ गिर जाता है, लेकिन बासित ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि ये सब कुछ हालात की वजह से आयशा ने शादी की है बासित से, लेकिन बासित एकदम गुस्से होने लगता है आयशा पे और आयशा से कहते हैं कि पहले तुम इतनी केयरलेस नहीं थी, अब तुम इस तरह से इतनी ज़्यादा केयरलेस हो गई हो, ऐसा क्यों? ऑफिस में तो तुम बड़ी जिम्मेदार बनती थी। ये सारी बातें सुन के बासित की आयशा बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान सी हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ आयशा ने अपनी वालदा से वादा किया था कि वो अपने घर का हालात आयशा ने अपनी वालदा से वादा किया था इस घर का खर्चा उठाने के लिए वो जॉब करेगी शादी के बाद भी, लेकिन बासित को बिल्कुल भी नहीं पसंद आयशा के जॉब करना। बासित साफ साफ इनकार कर देता है कि आयशा तुमने जॉब नहीं करनी, मैं नहीं चाहता कि तुम अब जॉब करो क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो, पहले की बात कुछ और थी। लेकिन आयशा बजीद है कि वो जॉब करना चाहती है, अपने घर का खर्चा उठाना चाहती है। तो नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। क्या बासित आयशा को जॉब करने की इजाज़त देगा या फिर बासित आयशा को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि बासित और आयशा की शादी हो गई है। बासित ने भी मजबूरी के तहत आयशा से शादी की है और आयशा ने मजबूरी की वजह से बासित से शादी की है, यानी इन दोनों का रिलेशनशिप एक मजबूरी के तहत हुआ है। लेकिन बासित एतमाद और यकीन रखता है आयशा पे कि आयशा बहुत अच्छी लड़की है, जबकि बासित भी बहुत अच्छा है। आयशा को यकीन है कि उसका बहुत ख्याल रखेगा। आयशा की वालदा ने बासित अच्छी खासी रकम ली है आयशा की शादी करने के लिए, लेकिन आयशा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे आयशा और बासित का वलीमा हो गया है। बासित और आयशा का वलीमा हो जाने के बाद आयशा के घर वाले अगले दिन उसके घर पे आते हैं। उसका आलीशान बंगला देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं आयशा की वालदा और उसकी बहनें। लेकिन बासित को ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पसंद। आयशा की बहनों से कुछ ना कुछ गिर जाता है, लेकिन बासित ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि ये सब कुछ हालात की वजह से आयशा ने शादी की है बासित से, लेकिन बासित एकदम गुस्से होने लगता है आयशा पे और आयशा से कहते हैं कि पहले तुम इतनी केयरलेस नहीं थी, अब तुम इस तरह से इतनी ज़्यादा केयरलेस हो गई हो, ऐसा क्यों? ऑफिस में तो तुम बड़ी जिम्मेदार बनती थी। ये सारी बातें सुन के बासित की आयशा बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान सी हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ आयशा ने अपनी वालदा से वादा किया था कि वो अपने घर का हालात आयशा ने अपनी वालदा से वादा किया था इस घर का खर्चा उठाने के लिए वो जॉब करेगी शादी के बाद भी, लेकिन बासित को बिल्कुल भी नहीं पसंद आयशा के जॉब करना। बासित साफ साफ इनकार कर देता है कि आयशा तुमने जॉब नहीं करनी, मैं नहीं चाहता कि तुम अब जॉब करो क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो, पहले की बात कुछ और थी। लेकिन आयशा बजीद है कि वो जॉब करना चाहती है, अपने घर का खर्चा उठाना चाहती है। तो नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। क्या बासित आयशा को जॉब करने की इजाज़त देगा या फिर बासित आयशा को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
Assalamualaikum मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि बासित और आयशा की शादी हो गई है, बासित ने भी मजबूरी के तहत आयशा से शादी की है और आयशा ने मजबूरी की वजह से बासित से शादी की है, यानी इन दोनों का रिलेशनशिप एक मजबूरी के तहत हुआ है। लेकिन बासित एतमाद यकीन रखता है आयशा पे कि आयशा बहुत अच्छी लड़की है, जबकि बासित भी बहुत अच्छा है। आयशा को यकीन है कि उसका बहुत ख्याल रखेगा। आयशा की वालदा ने बासित अच्छी खासी रकम ली है आयशा की शादी करने के लिए, लेकिन आयशा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे आयशा और बासित का वलीमा हो गया है। बासित और आयशा का वलीमा हो जाने के बाद आयशा के घर वाले अगले दिन उसके घर पे आते हैं। उसका आलीशान बंगला देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं आयशा की वालदा और उसकी बहनें। लेकिन बासित को ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पसंद। आयशा की बहनों से कुछ ना कुछ गिर जाता है, लेकिन बासित ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि ये सब कुछ हालात की वजह से आयशा ने शादी की है बासित से, लेकिन बासित एकदम गुस्से होने लगता है आयशा पे और आयशा से कहते हैं कि पहले तुम इतनी केयरलेस नहीं थी, अब तुम इस तरह से इतनी ज़्यादा केयरलेस हो गई हो, ऐसा क्यों? ऑफिस में तो तुम बड़ी जिम्मेदार बनती थी। ये सारी बातें सुन के बासित की आयशा बहुत ज़्यादा दुखी परेशान सी हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ आयशा ने अपनी वालदा से वादा किया था कि वो अपने घर का हालात आयशा ने अपनी वालदा से वादा किया था इस घर का खर्चा उठाने के लिए वो जॉब करेगी शादी के बाद भी, लेकिन बासित को बिल्कुल भी नहीं पसंद आयशा की जॉब करना। बासित साफ साफ इनकार कर देता है कि आयशा तुमने जॉब नहीं करनी, मैं नहीं चाहता कि तुम अब जॉब करो क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो, पहले की बात कुछ और थी। लेकिन आयशा बर्जीद है कि वो जॉब करना चाहती है, अपने घर का खर्चा उठाना चाहती है। तो नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। क्या बासित आयशा को जॉब करने की इजाज़त देगा या फिर बासित आयशा को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि बासित और आयशा की शादी हो गई है, बासित ने भी मजबूरी के तहत आयशा से शादी की है और आयशा ने मजबूरी की वजह से बासित से शादी की है, यानी इन दोनों का रिलेशनशिप एक मजबूरी के तहत हुआ है। लेकिन बासित एतमाद यकीन रखता है आयशा पे कि आयशा बहुत अच्छी लड़की है, जबकि बासित भी बहुत अच्छा है। आयशा को यकीन है कि उसका बहुत ख्याल रखेगा। आयशा की वालदा ने बासित अच्छी खासी रकम ली है आयशा की शादी करने के लिए, लेकिन आयशा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे आयशा और बासित का वलीमा हो गया है। बासित और आयशा का वलीमा हो जाने के बाद आयशा के घर वाले अगले दिन उसके घर पे आते हैं। उसका आलीशान बंगला देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं आयशा की वालदा और उसकी बहनें। लेकिन बासित को ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पसंद। आयशा की बहनों से कुछ ना कुछ गिर जाता है, लेकिन बासित ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि ये सब कुछ हालात की वजह से आयशा ने शादी की है बासित से, लेकिन बासित एकदम गुस्से होने लगता है आयशा पे और आयशा से कहते हैं कि पहले तुम इतनी केयरलेस नहीं थी, अब तुम इस तरह से इतनी ज़्यादा केयरलेस हो गई हो, ऐसा क्यों? ऑफिस में तो तुम बड़ी जिम्मेदार बनती थी। ये सारी बातें सुन के बासित की आयशा बहुत ज़्यादा दुखी परेशान सी हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ आयशा ने अपनी वालदा से वादा किया था कि वो अपने घर का हालात आयशा ने अपनी वालदा से वादा किया था इस घर का खर्चा उठाने के लिए वो जॉब करेगी शादी के बाद भी, लेकिन बासित को बिल्कुल भी नहीं पसंद आयशा की जॉब करना। बासित साफ साफ इनकार कर देता है कि आयशा तुमने जॉब नहीं करनी, मैं नहीं चाहता कि तुम अब जॉब करो क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो, पहले की बात कुछ और थी। लेकिन आयशा बर्जीद है कि वो जॉब करना चाहती है, अपने घर का खर्चा उठाना चाहती है। तो नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। क्या बासित आयशा को जॉब करने की इजाज़त देगा या फिर बासित आयशा को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।